ये देखो 30 मीटर से आगे कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चलो जी, तो देखो भाई फाइनली ऊपर ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी दिखनी शुरू हो गई है। और बाहर देखो भाई, बाहर तो बारिश अभी भी लगी रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज देखो सुबह से ही मौसम एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हो रखा है, कल रात से बारिश लग रही है और देखो पहाड़ों में एकदम बादल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और मैं तो चाहता हूँ कि मौसम और ज़्यादा ठंडा हो जाए ताकि ना फिर से बर्फबारी देखने को मिले। और अगर ऐसे ही आज दिन भर बारिश रहेगी तो फिर बर्फबारी बहुत नीचे तक आ जाएगी और हो सकता है हमारे गांव में भी फिर से बर्फबारी देखने को मिलेगी। और ऐसा मौसम बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। मॉनसून के टाइम पे ऐसा मौसम देखने को मिलता था, ऐसे बादल यहाँ से ऊपर की तरफ जाते थे और आज फिर से ऐसा ही मौसम हो गया भाई। और फिलहाल अभी इस ठंडे से मौसम में गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। और अभी मौसम भी देखो भाई, सामने अभी तक जो पहाड़ दिखाई दे रहा था पूरी तरह से कोहरे से ढक गया है और हर तरफ अभी कोहरा ही कोहरा है। तो अभी मैंने जस्ट नाश्ता किया है और आज मैंने वेदर रिपोर्ट देखी है तो आज दिन भर बारिश है। और अगर आज दिन भर बारिश रही ना तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और मुझे अनुमान है कि बर्फबारी यहाँ तक आ जाएगी। सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे ना तो इन पे भी थोड़ी देर में तो नहीं, लगभग अगर 4-5 घंटे बारिश रहती है तो बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी जो ये पहाड़ हैं तो इनके टॉप में कहीं भी बर्फ़ नहीं है तो आज पक्का इनमें बर्फ़ दिखेगी। चलो जी, अब नीचे देखो भाई, वो है वहाँ पर कोयल और इतनी बारिश में भी देखो भाई दाना चुगने के लिए बाहर आ रखी है। तो जीने के लिए ना हर किसी को सरवाइव करना पड़ता है। बहुत सारे पक्षी ऐसे दिखाई देते हैं जो बारिश के टाइम पे हमारे घर के आसपास आते हैं। अभी तो तेज़ बारिश हो रही है इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा बारिश कम होगी ना तो पूरे हमारे चौक पर ना बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। अब देखो भाई, कल हवा हुई होगी यार, कल रात को बहुत तेज़ हवा हुई थी ना तो हमारे जो एंटीना है ऊपर लगे हुए ये नीचे गिर गए थे। अभी दिन के 11:30 हो रहे हैं और कल से ना हमने ऊपर अपने नए वाले घर में कुछ काम भी लगाया था, कल से काम पे लगे थे, वहाँ पे कुछ बन रहा है तो कल के दिन काम हुआ, आज बारिश हो गई। चलो कोई नहीं, जब मैं ऊपर वाले घर में जाऊँगा कल या परसों तब दिखाऊँगा कि कौन सा काम हमने स्टार्ट किया है वहाँ पर। बाकी मौसम और पैक होते जा रहा है। और देखो भाई, कोहरे से ना अब तो कुछ भी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है भाई। देखो ऐसे मौसम का भी अलग ही मजा है। कल तक जब मौसम साफ रहता था मैं कहता था यहाँ से उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, आज देखो पहाड़ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस घर ही है यहाँ पर हमारा एक, बाकी 30 मीटर से आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है भाई। नीचे नदी दिखती थी वो भी नहीं दिखाई दे रही है। ये देखो 30 मीटर से आगे कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो चलते हैं किचन में। और देखो आज मौसम ठंडा है, आग भी नहीं जला रखी है यहाँ पे। देखो हमारा खाना भी बन गया है यहाँ पर। और माँ अभी आज घर ही में मस्त, देखो पता नहीं क्या देख रहे हैं यहाँ, ठीक है जी वाले फोन पे सीरियल सीरियल दिया। और देखो भाई पीछे वाले इसमें ना गर्म पानी रखा है क्योंकि बर्तन बुर्तन धोने होते ना खाने के बाद, तो गर्म पानी तो ज़रूरी है भाई जब बारिश लग जाती है। तो अभी लंच टाइम भी हो गया है और आज लंच में बना हुआ है आलू का साग, मतलब आलू को ना सिलबट्टे में ऐसे बारीक किया जाता है और फिर इसका साग बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं थेचोनी। तो आज थेचोनी का साग बन रखा है और साथ में चावल। और बाहर देखो भाई, बाहर तो बारिश अभी भी लगी रही है, आज बारिश बंद होने वाली नहीं है। अब आज दिन भर बारिश है तो गाय बैलों को ना बाहर भी नहीं निकाला है, उनको जो चारा है वो अंदर ही दिया है। बाकी अभी पानी पिलाने का टाइम है तो उनको ना आज ठंडा पानी नहीं पिला सकते हैं क्योंकि पहले ही ठंडा है, फिर ठंडा पानी
गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो आज जिस दिन भी ठंड रहती है या बारिश लगती है तो उस दिन उनको घर से गर्म पानी लेकर जाते हैं और मिक्स करके देते हैं, गुनगुना पानी देते हैं। तो ये बड़ी वाली पतीली लेके जानी है, इस पे लेके जाएंगे गर्म पानी गौशाला में। अब यहाँ पर इन दो पतीलों में गर्म पानी रखा हुआ है, एक इसमें और एक इसमें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गौशाला इस पे ना गर्म पानी लेकर। अब एक बार मौसम जैसा भी है गाय बैलों को पानी पिला देते हैं। आज ना गौशाला सुबह से नहीं खोली, मतलब सुबह जिस टाइम दूध निकाला होगा उस टाइम खोली होगी, उसके बाद पूरी ऐसे बंद की हुई है। भेड़ तो नहीं करने वाले। तो ये है हमारा भैंस का पतीला। वैसे ना गौशाला अंदर से एकदम गर्म ही रहती है, अंदर तो एकदम मस्त गर्म है, लग ही नहीं रहा है कि बाहर बारिश हो रही होगी। चलो जी, बाकी कुछ हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर भैंस रहती है, इधर बैल रहते हैं हमारे, दो कमरे हैं ना। ओहो, तो फाइनली बर्फबारी दिख गई है ऊपर ऊपर। ये देखो भाई, ऊपर ऊपर पहाड़ के जो टॉप है ना वहाँ पर बर्फ दिखनी स्टार्ट हो गई है और यहाँ तक आ गई है। यहाँ पर भी कुछ लोगों का घर है, मतलब वो भी हमारे गांव का एक पार्ट है ना, तो वहाँ पर हम जाते भी हैं कभी कभी। तो देखते हैं भाई, अगर वहाँ तक आज बर्फ आएगी तो कल हम वहाँ पर जाएंगे। बढ़िया, चलो अच्छी बात है, बर्फबारी हो रही है और आज अगर दिन भर बारिश रहेगी तो और नीचे तक बर्फबारी आ जाएगी, तो बढ़िया है। बाकी इस साइड भी देखो, ऊपर ऊपर पहाड़ों पे एकदम सफ़ेद दिखने लग गया है, मतलब बर्फ वहाँ भी आ गई है भाई, वाह। तो मुझे सिर्फ गर्म पानी लेकर आना था और मैं थोड़ा बहुत भीग भी गया हूँ, अब फटाफट चलता हूँ घर। डब्बू आजा। तो गाइस फाइनली मैं स्कूल से घर आ चुका हूँ और आज सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत भयंकर वाला ठंडा हो रहा था। देखो मौसम पूरा पैक पैक हो रखा है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद भाई स्कूल में भी इतना ठंडा लग रहा था ना भाई, क्या ही बोलूँ। आज ऐसे आसार थे लग रहे मुझे जैसे आज बर्फ़ गिरेगी, पर नहीं गिरी, सिर्फ यहाँ तक आई है बर्फ। मतलब इस साल हमें सिर्फ एक बार बर्फ देखने को मिली है, वो भी ठीक से जमी नहीं यहाँ। अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और आज सुबह से ना घर से बाहर निकलने के लिए भी नहीं हुआ, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू बारिश हो ही जा रही थी और अब जाकर अभी थोड़ा बारिश रुकी है। और मैं सोच रहा था कि बर्फबारी काफ़ी नीचे तक आ जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ पहाड़ों के ऊपर दिखाई दे रही है भाई, ये देखो। और इधर साइड अब ऐसा है ना कि मौसम उतना ठंडा नहीं है, अगर एक महीने पहले तक इतनी बारिश होती ना तो बर्फ यहाँ तक आ जाती, अब जितनी बारिश आज हुई है उससे सिर्फ पहाड़ों के ऊपर ही बर्फ आई है। डोली लगी घास करने पर। अब देखो भाई, थोड़ी सी बारिश बंद हुई तो अभी मौका रहता है काम करने का। तो नीचे देखो, वहाँ पर डोली घास निकाल रही है, और घास भी ना ऐसे टाइम पे जो हमारे आसपास ये पेड़ लगाए रहते हैं हमने, तो इनसे निकालते हैं क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते हैं। अब आजकल सर्दियों में हरी घास के साथ साथ जो ये घास लगाया है ना यहाँ पे इस वाले पेड़ पे सूखी घास, तो ये काम में आता है, क्योंकि बारिश की वजह से दिन भर गाय बैलों को बाहर तो लेके नहीं जा सकते हैं, तो जो हरा घास रहता है थोड़ा बहुत उसके साथ ये वाला घास मिक्स कर देते हैं। तो बस ये है भाई, इसलिए इस घास को स्टोर करके रखते हैं। ये देखो भाई, ये भी हमारी घास है, ये इस वाले पेड़ पे भी हमारी घास है, और इस वाले पेड़ पे भी ये हमारी घास है। ये नीचे एक सुराई है, ये भी हमारी घास है। और इस वाले पेड़ पे देखो, पूरा पेड़ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पेड़ भर रखा है, तो ये भी हमारी घास है। और नीचे एक और सुराई वो वहाँ पर है, वो भी हमारी घास है। और ऐसे ही पता नहीं कितना घास स्टोर करके रखा होगा, वो तो मैं गौशाला के सिर्फ ऊपर ही साइड आ रखा हूँ अभी। अगर मैं गौशाला के नीचे की साइड जाऊँगा ना तो वहाँ भी घास स्टोर करके रखी हुई है, गौशाला के अंदर भी होगी। तो भाई ये सारी तैयारी करनी पड़ती है सर्दियों में, जिनके गाय बैल होंगे उन्हीं को करनी पड़ती है, अब जिनके गाय बैल ही नहीं होंगे तो वो क्यों काटेंगे घास को। और आज थोड़ा बारिश हुई ना तो इससे जो हमारे खेत हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हो गया है। इधर गेहूं है, इसमें सरसों है, ये देखो सरसों,
और बीच में बारिश नहीं हुई थी ना, तो ये गेहूँ भी तभी देखो कितना छोटा है। यहाँ पर कोई सिंचाई का और साधन तो है नहीं भाई, बारिश होगी तो उसी के भरोसे हमारी फसल रहती है। तो ये जो सरसों है ना, ये देखो घरिया बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये भी एकदम सूखे सूखे हो रखे हैं। अब बारिश हो गई है तो हमारे खेतों में जो ये हमारी फसल है गेहूँ सरसों, तो इनके लिए भी काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और बड़ी माँ की तैयारी हो गई है अभी रांसी वाले घर में जाने की। ठीक है तब। और वैसे आज वहाँ पर गांव में ना एक मेहंदी भी है। अब मौसम भी ठंडा ही है, हो सकता है बारिश लगेगी, तो फिर मेहंदी में जाकर भी कोई फायदा नहीं, उससे बढ़िया आराम से घर में रहो। भाई रात के अभी 8 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी खाना खाकर आ रहा हूँ, और अब जाकर मौसम खुल रहा है, ऊपर आसमान में ना चांद दिखाई दे रहा है भाई, तो नीचे की साइड ना पूरा आसमान खुल गया है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। आज का ब्लॉग देखो भाई बाहर पेंट हो रहा है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।